జాగ్రత్త ఆంటీ. Jai Guruji Sangharji, and a very happy Holi to everyone today. Guruji ke charno mein pranam karte hue, aaj ka satsang shuru karti hun. Thank you very much, Uncle and the rest of the team for inviting me here today to take my blessings. And Guruji is always there with all of us. The very simplistic method which Guruji had outlined was कि आप अपने कल्याण जो हैं गुरुजी के करे हुए वो आप नरेट करें और जो बोलता है उसका भी भला जो सुनता है उसका भी भला और दोनों तरफ ही said मेरी blessings चल रही हैं वो कैसे वो पता करना तुम्हारा काम नहीं तुम अपनी blessings लो so, बहुत पहले हमें पता चला 1995 में कि कोई बाबा आए हैं वो क्योर करते हैं और इट वॉज अनबिलीवेबल कि ऐसे कैसे कोई क्योर कर सकता है फिर भी सुनने में आया कि लोगों के हार्ट लोगों के कैंसर ठीक हो रहे हैं और बिकॉज मेरा बेटा बहुत छोटा था उस टाइम 7 साल का था और उसके गले में पस पड़ने की वजह से उसको बुखार आता था हर महीने और एक मेडिसिन को छोड़ के वो रेजिस्टेंट है बाकी से तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि मैं गुरुजी के चरने लगूं और अपने बेटे का भी भला हो द बैक ऑफ माई माइंड आई हैड दैट मेरी बेटी के होने के बाद मेरी टांगों में इस कदर दर्द रहती थी कि हिप से लेके टोस तक मैं काफी टाइम दर्द में रहती थी और ठीक से चल भी नहीं पाती थी दर्द के कारण एंड जमीन पे बैठना तो मेरे लिए मुनासिब ही नहीं था आई कुड नॉट जब हम गुरुजी के गए तो वो उस टाइम ग्रेटर कैलाश में उन्होंने एक जगह ली हुई थी जहां पे वो लोगों का कल्याण कर रहे थे उनका ओरिजिनल डेरा जलंधर में था और वहां से गुरुजी दिल्ली आए थे कल्याण करने के लिए उस जमाने में कोई मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी तो वहां से कुछ लोगों को अपने साथ लेके वो कहीं और गए और हमें भी बोला कि साथ चले वहां जाके उन्होंने अपने आप को तो कर लिया एक कमरे में बंद लोग सारे बैठे हुए थे जमीन पे और मैं यही सोच रही थी कि अब मैं कैसे जमीन पे बैठूंगी मैं एक कोने में जाके खड़ी हो गई कुछ टाइम बाद गुरुजी ने दरवाजा खोला सीधा मेरी तरफ आए और इशारा करके मुझे खड़े होने के लिए बोला तब मैंने हड़बड़ाहट में देखा कि मैं थक के बैठ गई थी तो मुझे बोला 10 बता मैंने कहा जी मेरा मुंडा मेरा बेटा उन्होंने बोला उसकी छोड़ अपनी बता तुझे क्या प्रॉब्लम है मैंने कहा जी मेरी टांगे बहुत दर्द करती है कहती यहाँ इतनी देर बैठी रही तुझे दर्द हुई तब रियलाइज हुआ कि देयर वाज नो पेन कोई दर्द नहीं थी तो उन्होंने बोला आज के बाद नहीं होगी वो कभी दर्द लौट के नहीं आई इतने साल हो गए 1995 से आप खुद ही सोच लीजिए आज क्या चल रहा है नो पेन उसके बाद उन्होंने बेटे का पूछा के लड़के का पता मैंने कोई डिटेल्स नहीं दिए गुरुजी को सिर्फ इतना बोला कि गला खराब रहता है कहते हैं ठीक है फिर इसको एक सोने का ओम पहना दे और घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो तो मैंने एक लहर सी दौड़ी दिमाग में कि इतने छोटे बच्चे को सोने की चेन तो हंस के गुरुजी आगे से बोले पीले धागे में पहना दियो फिर मैंने टिपटो करके थोड़ा सा ऊंचा होके उनके कान में बोला मैंने कहा जी ज्वाइंट फैमिली है तो ही सेड ठीक है फिर तू तेरा घर वाला तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चावल खाओगे ना वर्तोगे एंड वी डोंट आज तक मेरे बच्चे भी कुछ भी खरीदते हैं तो पहले पीछे चेक करते हैं दैट देयर इज नो राइस इन इट ओनली देन दे टेक इट बिकॉज ये गुरु का हुक्म है एंड वी हैव टू फॉलो इट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स उन्होंने ब्लेसिंग देने के अपने कभी भी तरीके खोले नहीं लेकिन वो हमेशा कहते थे कि वो गुरु ही क्या जो 10 के कल्याण करे जो बता के कल्याण करे कितने कल्याण तो मैं ऐसे ही कर जाता हूँ लोगों को पता तक नहीं चलता एंड देन एक दिन उन्होंने ये भी कहा जो असल होगा जो असल गुरु होगा वो हमेशा अपने आप को लुकाएगा मतलब वो छुपाएगा
वो अपने आप को बाहर बयान नहीं करेगा, उसके पास इतनी पावर्स होती हैं कि वो अपने आप को बाहर बयान नहीं करेगा लोगों, वो अपने आप प्रोक्लेम नहीं करेगा, और जो बोलते हैं वो असल गुरु नहीं। सो गुरु जी इन हिज फिजिकल फॉर्म वॉज वेरी सिलेक्टिव, वो कभी कभी लोगों को बाहर से ही जाने के लिए कह देते थे, और कभी भी उस जमाने में अपने लिए उन्होंने कभी भी अखबार, मैगजीन, मीडिया, अपनी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करी। ये जरूर उन्होंने कहा था कि संगत बढ़ेगी, संगत बढ़ेगी। तो हम लोग हंसते थे कि गुरुजी यहाँ 20-25 जने जो हैं, आप कोई नया आ जाता है तो आप बोलते हो कि आप अपनी आप बीती उनको रिले करिए, और कोई फॉर्म नहीं ऑफ नोइंग अबाउट यू, तो कैसे संगत बढ़ेगी जब आप किसी को इतने खुलासा इतना करते नहीं, तो कैसे? तो स्माइल करते थे और बोलते थे देखना संगत इतनी बढ़ जाएगी, लाइनें लग जाएंगी, जो कि आज हम देख रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया था, उनकी समाधि के बाद इतनी संगत में बढ़ोतरी हुई कि हम देखते जा रहे हैं संगत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ही सेड, अगर मैंने एक भी बंदा रब पासे पा दिया तो मेरा काम हो गया। इन हिंदी, अगर एक भी इंसान उन्होंने भगवान की तरफ डाल दिया तो उनका काम हो गया, ऐसा गुरुजी ने मुझे कहा था। और बेटा मेरा उसके बाद बिल्कुल ठीक ठाक था। हम लोग उनको थैंक यू बोलने गए, वो जलंधर वापस जा चुके थे। हम जैसे ही अंदर आए मंदिर में, उन्होंने पहचाना ऑफ कोर्स, एंड आज्ञा नहीं मिली दिल्ली वापस जाने की। उन्होंने कहा लुधियाना अपनी बहन के घर जाओ, रात वहां गुजारो और अगले दिन फिर आओ। तो जब अगले दिन हम आए तो गुरुजी अपने रोब्स पहन के अपने सिंहासन पे विराजमान थे, और कोई भी शब्द गुरबानी नहीं लगी हुई थी। हमारी फैमिली के सिवाय मंदिर में और कोई भी नहीं था। तो जैसे ही मैं अंदर आई, ही सेड आंटी यू आर लेट, ही सेड इट इन इंग्लिश, व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस व्हाइल, वेट आई विल टेल यू, कि आंटी तुम लेट, तुम इतनी देर से क्या कर रही थी, ठहरो मैं बताता हूँ। और फिर पंजाबी में उन्होंने स्विच करके बोला कि दो आलू के परौंठे खाए, एक कटोरी दही के साथ, आधा ग्लास पानी पिया, टेबल पे रखा, उसके बाद टॉयलेट गई, फिर अपने बहन के पीछे वाले कमरे में गई जहां तेरा काला सूटकेस पड़ा था, तेरी बेटी की ड्रेस तुझे पसंद नहीं आई थी, तूने उसकी ड्रेस चेंज करके उसको ऑरेंज ड्रेस पहनाई, उसके बाद सारे कमरों में गई, सबको कलेक्ट करा, वापस आई टेबल पे, जो आधा ग्लास पानी का छोड़ा था वो फिनिश करा, और फिर टॉयलेट गई, और पूरा एक घंटा लेट आ रही है, गुरुओं को वेट नहीं कराई। दर आई डिडंट नो व्हाट टू से, आई डिडंट नो व्हाट टू आंसर। ही टोल्ड मी तेरी फाइल खोल देती है। ही यूज्ड टू जोक एंड से दैट एवरीबडीज फाइल, मीनिंग एवरीबडीज लाइफ स्टोरीज एंड एवरीबडीज खाता, सो एज टू से, was with him. Initially, one used to wonder that maybe those were his psychic powers. Shayad unke paas aisi shaktiyan thi ke unko sabke bare mein kuch kuch gyat tha, kuch pata tha. Lekin jaise jaise Guruji ne apna khulasa hum logon ko kiya, wo pata chala ke wo Paramatma hai. Aur Paramatma ko to har ek ki file unke paas hoti hai aur unko sabka pata hota hai. तो उनके आगे कुछ भी छुपा नहीं था, ना तब ना अब। उनका बहुत सिंपल वे था, वो शब्द गुरबानी लगवाते थे, और जिन लोगों को पंजाबी नहीं भी आती थी, जैसे हम बहुत कच्चे थे पंजाबी में, और गुरुजी से ही सीखा जो सीखा, तो वो ये कहते थे कि सुनो, जब हम सुनते थे कुछ कुछ समझ आने लगी, लेकिन जो बात उन्होंने समझानी होती थी वो पंजाबी ना आते हुए भी लाइन समझ में आ जाती थी। बहुत शब्द बजते थे, कोई एक ऐसा होगा जो उस दिन आपके ऊपर फिट बैठेगा। तो ये गुरु का अपना तरीका था, जिस तरीके से उन्होंने लोगों का कल्याण किया। चाय प्रसाद मिलती थी,
लंगर प्रसाद मिलता था और ये गुरुजी कहते थे ये मेरे प्रोसेस है। और जिन जिस दिन वो बैठते थे सभा के लिए वो कहते थे ये मेरे प्रोसेस वाले दिन है। जब कभी गुरुजी ने अपने साथ कहीं लेके जाना, किसी के घर जाना ब्लेस करने के लिए, कुछ संगत मेंबर्स उनके साथ जाते थे, बाकियों को पता नहीं होता था कि कौन गया आज के दिन और कौन नहीं, और अगले दिन कौन गया वो किसी को नहीं पता होता था। क्या बातें उन्होंने किसके साथ करी ये कोई नहीं अपनी बातें बताता था। ये आज का दौर है जब इतनी अनसर्टेनिटी है जिंदगी में कि इंसान अपनी बातों का खुलासा कर रहा है, जिससे कि अगर किसी को बेनिफिट हो फ्यूचर जनरेशंस में, व्हाई नॉट, बिकॉज अपनी जिंदगियों का किसी का भी कुछ भी भरोसा नहीं है। गुरुजी अपनी संगत में सबसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने एक अल्फाज बोले थे, मैं अपने भक्तानु बहुत प्यार करना, which is true even today। आज भी हर जना उनकी कृपा का पात्र है और हर जना उनका आशीर्वाद ले रहा है। गुरुजी कभी भी किसी के ऊपर जिता के उनको ब्लेस नहीं करते थे। He would bless, और जब आपकी जिंदगी में जिस चीज की धारणा आप मन में लेके आए हैं जब वो फिट हो जाती थी बात, तो आपको पता चल जाता था कि ये करिश्मा गुरु का करा हुआ है, हमारा अपना नहीं। कई बार आप अपना पुरुषार्थ करते हैं जो बहुत अच्छी बात है, गुरुजी हमेशा कहते थे कि अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। आप साथ साथ गुरु से अरदास भी करते थे और जब आपका पुरुषार्थ फेल हो जाता था और फिर वो काम बनता था तो ये 100% उसमें गुरु की ही मेहर है, उसमें गुरु की ही मेहर तब थी और गुरु की मेहर अब है। सो इट इज नॉट जस्ट के गुरुजी हमारे काम बनाने के लिए आए थे या हमारी डिजीजेस क्योर करने के लिए आए थे। ही यूज्ड टू से, मेरे से चंगी चीज कोई लेता नहीं, मेरे से चंगी चीज लेनी चाहिए। और चंगी चीज अगर सही समझे हम तो वो प्रभु का नाम है। वो बख्शीश हम लोगों के ऊपर अगर होती है एक गुरु की कृपा से, तभी हम उसको आगे अपने मन में धारण कर सकते हैं। उसके लिए भी वो एफर्ट हमें बनाना है, लेकिन कृपा गुरु की होगी। जब गुरु की कृपा होगी तभी वो आगे परवान होती है चीज। मुझे गुरुजी ने बताया कि अगर मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या है, तेरे पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। मैंने कहा महाराज मुझे प्लीज पता नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं पता करने की जरूरत, मुझे पता है आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, आप मुझे क्योर करते हो। तो उन्होंने बोला मैं तुझे 5 साल बाद बताऊंगा। मैंने कहा महाराज मुझे 5 साल बाद भी पता नहीं करना। मैं देख चुकी थी कि गुरुजी किस तरीके से लोगों के कल्याण कर रहे हैं और किस तरीके से उनकी डिजीजेस क्योर हो रही हैं और उनके इतने कल्याण हो रहे हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते। मुझे 5 साल बिना दर्शन के रखा गया, बिना दर्शन का हुक्म था कि मैं ना किसी फोटोग्राफ में, ना उनसे मैं मिलने आऊंगी, ना उनसे मैं फोन पे बात करूंगी, ना कोई चिट्ठी लिखी जाएगी। वो हमेशा कहते थे गुरुओं को चिट्ठी नहीं लिखते। कुछ लोग आजकल, आप में से कोई अगर चिट डाल देता है गुरु के सामने कि आप गुरुजी जवाब दीजिए ये होगा या ये होगा, वो भी नहीं करना चाहिए। That is like writing a letter to him. He used to say, गुरु इतने पास है, दूर क्यों करो। चिट्ठी तो उसको लिखी जाती है ना जो बहुत दूर हो, तो गुरुओं को चिट्ठी नहीं लिखते। इस बात के लिए बहुत sternly गुरुजी ने हमें समझाया था। 5 साल जब पूरे हुए, मेरे मन ने एक अरदास करी, मैं किसी से भी फोटो नहीं मांगूंगी गुरुजी, आप कुछ भी करके मुझे एक फोटो दीजिए। वो जमाने थे जब गुरुजी अपनी छोटी सी फोटोओं का प्रसाद देते थे। कभी भी बड़ी फोटो में आपको आसानी से नहीं मिलती थी, ना आप किसी से ले सकते थे। जब मैंने ऐसी अरदास करी, 5 साल पूरे होने के बाद
एक मैगजीन जो मेरे हस्बैंड लेते थे उसमें गुरु जी की एक फोटो छप के आई, जो गुरु जी ने मुझे बाद में बताया तूने मुझसे मांगी थी मैंने दी। वो फोटो का पन्ना मैंने निकाला और मैंने अपनी बेडसाइड ड्रॉअर में रख लिया। एक दिन मेरा सांस खिंच गया और मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबली ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं कर पा रही थी। बहुत मुश्किल से हस्बैंड और मदर को सिर्फ इतना कह पाई फोन करके कांट ब्रीद। फोटो निकाली मैंने गुरुजी की, सब इधर उधर भाग रहे थे जो मुझे बाद में पता चला, सब अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश कर रहे थे। बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए पास के हॉस्पिटल भागा, बेटी नेबर के भागी हेल्प लेने के लिए, और मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी, फादर इन लॉ सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे थे लेकिन मैं उनकी आवाज सुन पा रही थी। ही वॉज वेरी एंशियस कि क्या हुआ। मैंने वो पन्ना निकाला और गुरुजी की फोटो से अरदास करी, गुरुजी मेनू सांस नहीं आ रहा, मेरे को सांस नहीं आ रहा। बड़ी अजीब सी सेंसेशन गर्दन के पीछे हुई और ऐसा लगा जैसे किसी ने सांस दिया। उसके बाद जब हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन मास्क लगा था नाक के ऊपर, मन में मैंने यही सोचा कि जब मेरा अंत आया ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई और, सिर्फ मेरा गुरु काम आया। जब गुरु जी के आगे खड़ी थी तो उन्होंने बोला क्यों फिर, ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु काम आया, ले तेरी सेकेंड लाइफ ऐश कर। ऐश इज द ब्रेथ आई टेक टुडे, ये सांस है जो उन्होंने बख्शा। वो समा मैं याद नहीं करना चाहूंगी दोबारा कि कैसा महसूस होता है जब सांस खींचता। ये जिंदगी बहुत कीमती है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि इसको संभाल के नर्चर करके रखिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, गुरु की मदद से हम आगे चलते रहेंगे, बट ये जिंदगी का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। ये सांस क्या है ये सिर्फ वो आपको बता सकता है जिसका सांस खिंचा हो। इट इज वेरी प्रेशियस, इट इज अ प्रेशियस गिफ्ट गिवन बाय गॉड एंड वी मस्ट ऑनर इट, वी मस्ट रिस्पेक्ट दिस लाइफ, वी मस्ट नॉट डू सच थिंग्स विच हैम्पर द बॉडी और हिंडर आवर प्रोग्रेस। सो हमेशा गुरु का शुक्राना और बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने ये जीवन दान मुझे दिया। गुरु जी ने समझाया था कि इंसान किसी काम का नहीं, जानवर मर के भी काम आ जाते हैं, उनके बेल्ट बन जाती है, बटुए बन जाते हैं, आप खा भी सकते हैं उनको, लेकिन इंसान मर के किसी काम का नहीं, जीते जी अगर वो भगवान का शुक्राना कर ले उसके लिए इतना ही काफी है। तो ही सेड भगवान का शुक्राना करना चाहिए हर छोटी से छोटी चीज के लिए और हर बड़ी से बड़ी कृपा के लिए शुक्राना करना चाहिए। उन्होंने हमारे को एक पहला लेसन दिया कि अगर जिंदगी का घोड़ा मुझे दो तो मैं बिल्कुल सीधा हाँकूंगा। इसीलिए उन्होंने एक अल्फाज इस्तेमाल करे जो कि इंग्लिश का एक शब्द था, सरेंडर, मुझे सरेंडर करो, आत्मसमर्पण करो, अपनी सोच, अपनी बुद्धि कि मैं क्या करता हूं, कैसे करता हूं, क्यों करता हूं और क्या तरीके से करता हूं, ये सब सोचने में हम अपना समय ना व्यर्थ बेकार करें बिल्कुल भी नहीं, हम उनसे कृपा एक्सेप्ट करें, कृपा ले। He has so much to give. So much to give. प्रेयर करने का उन्होंने कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली। उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तू चाहे घर में बैठी है, चाहे तू बाहर है मार्केट में, या अपनी गाड़ी क्यों ना चला रही हो, भगवान को याद करने के लिए कोई भी एक जगह नियुक्त नहीं है, कहीं भी भगवान को याद किया जा सकता है किसी भी समय। हमेशा उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन बनाने को बोला। He said, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। जब तुम किसी को मेरे बारे में बताते हो तो सबसे पहले तो तुम ब्लेसिंग्स ले जाते हो, लेकिन फिर जिसने सुना उसका और मेरा
डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। गुरु की बात आपको कोई बता सकता है, गुरु तक आपको कोई नहीं पहुंचा सकता, वो आपको खुद चलना है। आपको खुद अपने कनेक्शन गुरु से बनाने हैं, किसी इंसान से नहीं है। जो भी बात हो गुरु से डायरेक्ट बात करें, जो गुरु जी का हुक्म था और है। हमें किसी को भी अपनी कोई भी दिल की बात बताने की जरूरत नहीं कि हमने क्या अरदास करी। वो अरदास आपको पता है और आपके गुरु को पता है। और गुरु जी ने मुझे किसी से एक बात ये सुनवाई थी कि जब आप गुरु से अरदास करते हो तो गुरु जी ने बताया कि मैं पहली बार में ही सुन लेता हूं, उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। मदर मेरी शुरू में बहुत स्केप्टिकल थी क्योंकि वो शिरडी साई भक्त थे, हम सारे हैं। गुरु जी ने हमें दिखाया कि ज्योत एक है, शिरडी साई, गुरु जी, कृष्ण भगवान, रामचंद्र जी, हनुमान जी, गुरु जी इज टोटली वन ज्योत विद द इटर्नल लाइट। जो एक भगवान की ज्योत है, इंसान ने गुरु जी ने बताया उसको अलग अलग नाम दे दिए, अलग अलग रिलीजन दे दिए। उन्होंने ये बोला कि भगवान एक है। मुझे ये बोला गया तू कहीं भी खड़ी हो जा, किसी भी डेटी के आगे, और कहीं भी तू किसी भी रिलीजन में खड़ी हो जा, और अगर तू प्रेयर करती है तो वो प्रेयर एक भगवान को आके परवानती है, क्योंकि भगवान एक है। एक बार हमें ये बोला गया, हार्ड मास का मैं सामने बैठा हूं, लोगों ने इंसान समझ लिया कि हड्डी और मांस का बना हुआ, ये इंसान के जूनी में आया हुआ इंसान जैसा दिखता हुआ मैं सामने बैठा हूं, और लोगों ने मुझे इंसान समझ लिया। बहुत बाद में समझ आएगी कि मैं क्या हूं, और आज हम समझ सकते हैं कि वो क्या है। ये भी उन्हीं की कृपा है कि उन्होंने ये बात समझाई। हम लोगों को टाइम लगा क्योंकि एक इंसान का जो दिमाग होता है वो स्केप्टिसिज्म में ज्यादा होता है कि ये क्या है, कौन है, और होना भी चाहिए क्योंकि आप गलत नहीं जाना चाहते, आप किसी गलत व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहते। क्योंकि गुरु जी ने बताया ऐसी नीच शक्तियां भी हैं जो लोग करते हैं, हमने पूछा था और उन्होंने बताया था। लेकिन जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, गुरुजी सेड उनके ऊपर बूमरैंग होके उल्टा उन्हीं के ऊपर पड़ जाता है, तो कभी ऐसी तरफ नहीं जाना चाहिए। जो है, देर है, सवेर है, जो है, आपके काम पूरे अभी होने में अगर टाइम है, सिर्फ भगवान पे भरोसा रखिए। और वही सही तरीका है कि परमात्मा है, उसमें विश्वास रखिए। गुरु जी के अल्फाज हैं, लोग भूले बैठे हैं कि रब है, मैं याद दिलान आया हूं, मैं माफ करन आया हूं। उन्होंने ये बताया कि कभी आपको नहीं भी पता होता कि कुछ कर्म आप गलत कर गए हैं, तो ही सेड कि रब आगे, गुरु आगे, उदी भी माफी मांग लेनी चाहिए जो पता ही नहीं थानू कि तुसी गलत कर गए, कि आप कुछ गलत कर गए हैं, आपको पता ही नहीं उसके बारे में। वो भी अपने कर्म गुरु के आगे बख्शवा लेने चाहिए कि उसकी माफी दे दीजिए। मेरे फादर को लिम्फोमा बताया गया, मेरे फादर को 25 साल पहले बताया गया कि वो कुछ ही महीनों के मेहमान हैं। गुरु जी के पास मेरे हस्बैंड और मैं गए उनका आशीर्वाद लेने। हम वहां बैठे थे गुरु जी के सामने, सिर्फ हम दोनों ही थे, हम कह सकते थे, हमारे अल्फाज नहीं निकले कि इतने बड़े महापुरुष को हम क्या बताने आए। हम चुपचाप वहां से निकल गए और उसके बाद गुरु जी ने हमें बुलाया और कहा कि मैं किसी के घर जा रहा हूँ ब्लेस करने के लिए और तुम साथ चलो। तो वहां जब हम गए, गुरु जी ने पास बुला के ये बताया, तेरे प्यो का कैंसर ठीक कर देता है मैं, कि तेरे पापा का कैंसर ठीक कर दिया मैंने। हमने तो वो शब्द निकाले भी नहीं थे। अस्पताल में रिपोर्टें छटने लगी, ठीक होने लगे और डॉक्टर भी हैरान रह गए। तो गुरुजी हंसते थे, डॉक्टरों को कंफ्यूज कर देता,
डॉक्टर हैरान रह गए। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा, दवाई भी तब लगती है जब मैं ब्लेस करता हूं। तो उन्होंने डॉक्टरों का भी बहुत महत्व बताया कि उनका जो काम है वो उन्हें करने देना है। अगर हम गुरु का लंगर छकते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना डॉक्टरी इलाज छोड़ दें। हाँ, गुरु जी ने ये जरूर बताया था कि जब मेरा लंगर तुम्हारे सामने आता है तो उसको पदार्थ की नजर से नहीं, प्रसाद की नजर से देखा जाए कि इसमें चावल है कि दाल है कि रोटी है, ये नहीं देखना, सिर्फ प्रसाद की नजर से। तो अगर कोई डायबिटिक भी उनका लंगर छक रहा है तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ऐसा गुरु जी का कहना था कि प्रसाद जो है वो आप अपने किसी व्रत के दिन भी खा सकते हो, उसकी कोई वहम वाली बात नहीं है। गुरु जी हैड वेरी क्लियरली स्टेटेड सर्टेन थिंग्स दैट जब मेरे पास आते हो तो अपनी इंटेलिजेंस वो है तो बाहर रख के आओ। बुआ मीन्स डोर, कीप योर इंटेलिजेंस आउटसाइड द डोर। ही सेड यहां कुछ साइंटिफिक नहीं चल रहा, यहां मेरी ब्लेसिंग्स चलती हैं और मेरी ब्लेसिंग्स लेने के लिए अपना तर्क वितर्क इफ्स एंड बट्स आपको बाहर रखने पड़ेंगे। उसका ये मतलब नहीं है कि हम डम बन जाएं और हम अपने सोचने की शक्ति इस्तेमाल ना करें और हम किसी चीज की रीजनिंग ना करें, नहीं, वो करिए। लेकिन गुरु के आगे आप जब तक आत्मसमर्पण नहीं करेंगे उनका काम आसान नहीं होगा। आप जरूर सोचिए, वो सोचने के लिए जो हमें शक्ति दी है भगवान ने कि ये कौन है, ये कैसे है, ये क्या है, उसके लिए गुरु जी ने सत्संग के लिए आदेश दिए कि जब आप सत्संग करते हो तो आप अपनी आप बीती शेयर कर रहे हैं। तो गुरु जी ने यही बात बताई। मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि आपको नहीं लगता कि आप अपनी वड्याई करा रहे हो जब आप हरेक को बोलते हो कि मेरी आप जितने कल्याण करे हुए हैं मैंने वो तुम दूसरों को सुनाओ। तो गुरु जी ने बहुत स्पोर्टिंगली और बहुत स्माइलिंगली उनका जवाब दिया, कहते हैं नहीं, ये कलयुग है, जब तक तुम्हारे जैसा इंसान खड़े होकर नहीं बताएगा तब तक विश्वास नहीं आता, मैं कहता हूं तो नहीं। तो ये उस जमाने की बात मैं आपको बता रही हूं जब गुरु जी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, और ये उन्होंने ही बख्शीश करी है इस तरीके को कि ये एक से दूसरा जान अपनी जानकारी हासिल करता है कि दूसरे के साथ क्या हुआ, उनके मर्ज कैसे ठीक हुए, उन पे कृपा कैसे गुरु जी की बनी, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। लेकिन जब आप उसके बाद आगे चलते हैं तो उसके बाद आपको वो इंटेलिजेंस जो इंटरफेयर कर रही है, आपका वो लॉजिक जो आपकी कृपा लेने में हिंडर कर रहा है, रुकावट बन रहा है, उसको आपको एक तरफ रखना है, तब आप आगे चलेंगे। और तब गुरुजी इज वेटिंग फॉर अस, इज ऑलवेज देयर, और उनकी कृपा हमेशा बरसती है हर एक के ऊपर। उन्होंने कभी भी ये नहीं सेग्रीगेट किया कि आप कौन सी जाति के हैं, कौन से रिलीजन के हैं, आप कहां से हैं, आपका ओहदा क्या है। He was not concerned about any of this. जो उनके पास आता था वो हमेशा गुरु की कृपा का पात्र है, हमेशा गुरु की कृपा उन पे बरसी है। कई बार गुरु जी ने अपने मुंह से बात बताई हुई है। He had said कि आते हैं लोग और बख्शीश लेके चले जाते हैं जो उनको आज नहीं नजर आएगी, लेकिन मैंने तो दे दी, वो बाद में उनको आगे चल के नजर आएगी। तो कुछ लोग जो कह देते थे कि हमारा तो कुछ हुआ नहीं, वो बाद में चल के उनकी आगे जब जिंदगी चलती है तो वो कृपा कहीं डाली हुई है गुरुजी ने। वो एक बार अगर गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने एक बारी भी अगर कभी अरदास करी, ये गुरुजी का कहना था कि वो ले गए, उनसे कृपा ले गए। और आज हम इतने फॉर्चुनेट हैं, नई संगत इतनी फॉर्चुनेट है
कि वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से अपने आप का समर्पण कर देती है गुरु जी के चरणों में. यू आर सो ब्लेस्ड यू डिड नॉट वेस्ट टाइम लाइक वी डिड. नए और पुराने का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये बताने के लिए है जिन्होंने उनको चोले में देखा और जिन्होंने उनको आज स्पिरिट फॉर्म में देखा और जाना. मेरे लिए गुरु जी परमात्मा है. मुझे जो उन्होंने अपना असल बयान किया वो उनकी कृपा से ही मैं जान पाई वो परमात्मा हैं और वो हमेशा सबके ऊपर बराबर अपनी कृपा बरसाते हैं. कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि वो गुरु के फेवरेट थे. कोई नहीं थे. सब अपने अपने टाइम अपनी अपनी ब्लेसिंग्स ले रहे थे. कभी किसी को तो कभी किसी को तो कभी किसी को. उन्होंने कभी भी किसी को भी एज सच सिंगल आउट नहीं करा. ही हैड सेड टू माई फादर इन लॉ, जब मेरे फादर इन लॉ ने पूछा कि हमारे बाबा लाल जी महाराज के यहाँ गद्दियां चलती हैं तो आपके बाद कौन, तो गुरु जी ने हंस के जवाब दिया, पहले भी मैं, हुन भी मैं, बाद इच भी मैं, इत्थे कोई गद्दी नहीं चलती. कि पहले भी मैं, आज भी मैं और कल भी मैं, यहाँ कोई गद्दी नहीं चलती, यहाँ मैं ही हूं और इटर्नली वो ही रहेंगे. आप जिस तरीके से भी अपने भगवान को याद करना चाहें, गुरु जी की तरफ से कोई मनाही नहीं थी. आपका जो दिल करता है, जैसे आप खुश होते हैं अपने प्रभु के साथ जुड़कर, आप जरूर जुड़िए और आप जरूर गुरु जी का ये जो उन्होंने ब्लेसिंग दी है कि परमात्मा को याद करो. उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि अपनी फैमिलीज को छोड़ दो, अपनी ड्यूटीज को छोड़ दो और आप हर वक्त आप बस भगवान की याद में लगे रहिए. जैसे उन्होंने बताया था कि आप रोजमर्रा के काम भी अगर अपने कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप घर में बैठे हैं, भगवान का शुक्राना और याद तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपनी फैमिलीज को नहीं छोड़ना है. कोई संन्यास एज सच नहीं लेना है. और ये हम बहुत साधारण लोग हैं, हमें इस चीज की कोई नॉलेज नहीं कि कौन सी सीढ़ी और कौन सा औदा और कैसे ज्ञान, ये सब बातें मुझे नहीं आती. मुझे सिर्फ इतना पता है कि गुरु की कृपा हमारे ऊपर हमेशा है, हमेशा रहेगी. और जैसे उन्होंने बताया, अपनी रोजमर्रा की ड्यूटीज करते रहिए, वही हमारा पार्ट है. मुझे ये बोला गया था, घरवाला घरवाली की सेवा करे, घरवाली घरवाले की सेवा करे, दोनों मिलके अपने बच्चों को संवारो और अपने घर को कलेश रहित रखो, यही तुम्हारा सबसे ऊंचा पाठ है. ये हमें बताया गया. पाठ इज वेरी सिंपल. कहीं हमें जाके जरूरी नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूशन में जाके आपको वहां सेवा करनी है तो ही आपकी सेवा है. सेवा के फॉर्म आप खुद ढूंढेंगे. सेवा का फॉर्म भगवान आपको खुद दिमाग में डालेगा कि आपको किस तरीके से करनी है, क्या करनी है, और वो आपको सबको समझ गुरुजी ही दिलाते हैं. तो हरेक की जिंदगी में उन्होंने अपने आप आपके हिसाब से आपको समझा देना है. यू ओनली हैव टू आस्क हिम, यू ओनली हैव टू बी इन हिज शरण. हम सबको गुरुजी हमेशा अपने शरण में रखें. जय गुरुजी महाराज.